अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक दोस्तों। आज हमारे पास एक डिवाइस आया हुआ है दोस्तों, चाइना का, तो के छोटा मॉडल है दोस्तों। इसमें दोस्तों रिंगर का मसला था। ये देखो हमारा रिंगर है ओरिजिनल, तो ये इसका रिंगर जो है दोस्तों काम नहीं कर रहा था। ये आप देख सकते हो कि हमने रिंगर निकाला हुआ है। तो दोस्तों इसका ये जो रिंगर टिप है, ये यहाँ से इसकी ये रिंगर कनेक्ट है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हो कि ये इसकी रिंगर की टिप है। ये दो स्पीकर इसके साथ लिखा हुआ है। ये यहाँ से दोस्तों इसी के साथ यहाँ ये कनेक्ट है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये बीप आप सुन सकते हो। यहाँ दो नंबर के साथ एक कनेक्ट है और ये एक नंबर इसके साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों ये दो जो है ये इसकी रिंगर की अपने टिप है बोट के। ये देखो ये अभी देखो शार्ट बता रहा है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रिंगर के दो टिप है। ये यहाँ से यहाँ आया हुआ है, ये भी शार्ट बता रहा है। ये देखो ये अभी मैं आपको इसकी चेकिंग करा देता हूँ। ये देखो दोस्तों ये मुकम्मल जो है यहाँ शार्ट बता रहा है। तो इस भी दोस्तों ये जो है तकरीबन आप इसको अगर बीप रेंज पे चेक करोगे तो यहाँ आपको 300 की तकरीबन 300-350 तक वैल्यू आना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कितना वैल्यू आ रहा है। ये देखो ये हमारा मीटर है, इसका वैल्यू दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्रोब को हमने ग्राउंड किया है और ये इसका एक टिप है। तो अभी ये देखो ये ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। ये देखो बीप बचा देता है। ये देखो ये दोनों इसमें बीप आ रहा है, दोनों पॉइंटों पे जो है ये बीप बचा रहा है। और यहाँ इसका ये सेक्शन है, ये देखो यहाँ इसमें भी बीप आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिंगर सेक्शन जो है वो शार्ट हो चुका है। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इस रिंगर सेक्शन में। ये देखो ये तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये जो है ये दो कॉइल जो है वो लगे हुए हैं। ये देखो ये दो कॉइल लगे हुए हैं 0 ओम का, और ये जो है ये तीन कैपेसिटर सॉरी लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसको पॉइंट करने के लिए यहाँ के हमारा शार्टिंग किधर है, तो ये दो कॉइल जो है ये वाले हम इसको हटाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा शार्टेज है कि नहीं। तो चलो ये जो दो कॉइल है इसको मैं उठा देता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ कि हमारा शार्टिंग जो है वो हट गया है कि नहीं। बाकी दोस्तों ये स्पीकर है ये बिल्कुल ठीक है, ये मीटर में भी हमने चेक किया बिल्कुल ओके रीडिंग दे रहा है, बीप दे रहा है बिल्कुल ओके है। और ये इसकी शार्टिंग जो मैंने आपको चेक कराई है। तो चलो दोस्तों अभी इसकी ये दो कॉइल हम रिमूव करेंगे, तो वालेकुम सलाम, तो फिर हमें पता चलेगा शार्टिंग किधर है। तो चलो मैं रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने जो है ये दो कॉइल देखो ये दो कॉइल जो है हमने रिमूव कर दी है। तो चलो अभी इसकी ये जो टिप्स है इस पर भी शार्टिंग चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हो अभी हमारा ये जो शार्टिंग का प्रॉब्लम था वो हट चुका है। तो सॉरी दोस्तों अभी ये जो है ये देखो ये हमारे शार्टिंग जो है ये अभी यहाँ से भी अभी क्रिएट हो चुका है। यहाँ हमारा हमें पता चल गया है कि यहाँ ये जो हमारा सेक्शन है ये बिल्कुल ठीक है। तो चलो अभी इसमें जो है शार्टिंग है, तो ये देखो इस टिप्स पे भी शार्ट है और इस पे भी शार्टिंग है। तो चलो अभी दोस्तों हम इसको पॉइंट करेंगे कि ये हमारे जो वेज है ये कहाँ जाते हैं। तो फिर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि हमारे वेज जो है ये कहाँ पे है। तो चलो अभी हम दोस्तों इसको चेक करेंगे, तो फिर दोस्तों आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो चलो मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ, पॉइंट करके फिर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों अभी मैं
ने इसको पॉइंट कर दिया है, लेकिन मसला जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो दोस्तों, ये अभी ये माइक के ये जो जो टिप्स हैं इसके साथ, ये देखो छोटे छोटे सुराख जो है ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ से दोस्तों। तो इसी को दोस्तों हमने ये देखो इसी साइड पे लेके आते हैं, तो ये यहाँ से ये दो पॉइंट यहाँ निकले हुए हैं। ये देखो ये दो पॉइंट हमारे स्पीकर के हैं, और यहाँ से पैर जो है ये वेज अंदर गए हुए हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पैर से दोस्तों ये दो वेज यहाँ निकले हुए हैं। ये देखो ये सुराखों से आपने पता लगाना है, और ये डायरेक्ट आईसी से जो है हमारा सॉरी दोस्तों, ये आईसी जो है इसी से हमारा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट हमारा आई प्रॉब्लम जो है वो आईसी से है। तो दोस्तों अभी वालेकुम सलाम, इस आईसी को हम उठाएंगे, ये मीडियाटेक की आईसी है, तो इसी के दो इसी को दोस्तों हमने निकालना है, और फिर आपको चेक कराना है, और फिर इसको रिबाल करना है, और देखेंगे कि रिबालिंग से जो है हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलो हम आईसी को निकाल लेते हैं दोस्तों, और फिर चेक करा के दिखा देते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि हमने आईसी जो है वो निकाली हुई है, और अभी दोस्तों यहाँ हमारे इसी रिंगर के टिप्स पर जो है शॉर्टेज ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम ये आईसी रिबाल करके दोबारा लगाएंगे, तो फिर देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलो हम दोस्तों अभी इस आईसी को रिबाल करके फिर लगाएंगे, और फिर आपको चेक कराएंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलो हम आईसी को रिबाल करके फिर आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमने इसकी ये जो आईसी है इसको रिबाल की है। तो चलो दोस्तों अभी हम इसको लगाएंगे, और फिर जो है आपको दिखाएंगे कि हमारा जो रिंगर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है कि नहीं। तो चलो मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। फिर ये हमारा बोर्ड है, तो चलो मैं आईसी को लगा देता हूँ, और फिर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों अभी हमारा मोबाइल जो है वो हमने आईसी लगाई हुई है। ये देखो ये आप देख सकते हो कि आईसी तो हमने लगाई, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वही का वही है। तो इसलिए हमारे आईसी जो है वो ख़राब है। ये देखो सॉरी दोस्तों, ये अभी भी ये देखो शार्ट बता रहा है। ये देखो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अभी भी जो है ये शार्ट बता रहा है। ये भी तकरीबन 42 तक रीडिंग, इसमें 350 रीडिंग आना चाहिए बीप रेंज में, लेकिन ये सिर्फ 42 रीडिंग दे रहा है, और ये दूसरा टिप जो है ये तो मुकम्मल शार्ट है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा मोबाइल की पावर आईसी जो है वो ख़राब है। दोबारा मैं आपको देखो अभी मोबाइल चेक करते हैं, तो ये ऑन हो जाएगा, ये देखो दोस्तों इसमें ये हमारा आईसी जो है वो लग चुकी है। ये देखो दोस्तों हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। ये देखो स्क्रीन में इसके ये सॉरी की पैड में लाइट आ चुका है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो है वो वही का वही है। तो हम जो रिंगर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए अभी हम जो है दोस्तों इसकी ये जो आईसी है पावर आईसी इसका या इसमें जो है ये रिंगर सेक्शन जो है वो शार्ट हो चुका है, क्योंकि पहले इसमें जब हमने आईसी हटाई तो शार्ट नहीं थी। तो ये यहाँ मैंने आपको पुल ट्रेसिंग बता दिया, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो इस पावर आईसी में है। तो हम इस पावर आईसी को चेंज करेंगे कि
इसी सेकंड बोर्ड से, सेम बोर्ड से हम इसको चेंज कर सकते हैं या नया लगा सकता है। नया तो इसका मिलता नहीं, लेकिन हम सेम बोर्ड से अगर इसकी आईसी चेंज करें तो हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों बस अभी हमारे पास आईसी नहीं, तो सेम बोर्ड से हम इस आईसी को निकालेंगे और लगाएंगे तो 100% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही प्रॉब्लम आज आपको दिखाना था। तो दोस्तों हमारा नूर मोबाइल रिपेयरिंग को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और बेल का आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।